नमस्कार, मैं विक्रम, रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का पार्ट चल रहा है और नाउन में जो अहम बातें हैं वो 5-6-7 ही हैं, उनको हमेशा आपको टिप्स पे रखनी है। एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, और एक अगर नाउन सब्जेक्टिव केस में आता है तो वो किस तरीके से पूरे सेंटेंस के 4 या 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रभावित करता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन हमारा पूरा हो चुका। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ड्रॉन ऑफ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं आभासी या अभौतिक। कोई कार्य हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, कोई अवस्था हो सकती है। तो जो आभासी नाउन है उनको फिर फर्दर हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले वो होते हैं जो आपके होते हैं एक्शन दर्शाते हैं, कार्यवाचक। और इनकी खास बात ये होती है ये वर्ब से बनते हैं, हो सकता है आपके नोट्स में इनको दूसरे नंबर पे लिया गया हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहली बार में लिख दिए यहां पर। फिर दूसरी टाइप के जो हैं वो होते हैं आपके दूसरी जो कैटेगरी है आपकी वो होती है आपकी एक्शन के बाद, वो है आपकी क्वालिटी। ये होते हैं गुणवाचक। और ये जो गुणवाचक होते हैं ये किससे बनते हैं? ये एडजेक्टिव से बनते हैं। तीसरे होते हैं आपके एक्शन, क्वालिटी, और उसके बाद आपके जो तीसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं स्टेट, जिनको हम दशावाचक भी कहते हैं। और ये जो मूल रूप से बनते हैं, बेसिकली दशावाचक जो बनते हैं वो बनते हैं कॉमन नाउन से। तो इस तरीके से आपके 3 तरह के हमारे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और उनका फॉर्मेशन भी। तो जो एक्शन वाले होते हैं, जो गुणात्मक होते हैं, वो वर्ब से बनते हैं। जो क्वालिटी वाले जो एक्शन वाले कार्यवाचक हैं वो वर्ब से बनते हैं। क्वालिटी वाले जो गुणवाचक हैं वो आपके एडजेक्टिव से बनते हैं। और तीसरे जो आपके स्टेट या दशावाचक होते हैं वो आपके कॉमन नाउन से बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने समझाने के लिए। जैसे वर्ब है डिसाइड से बनता है डिसीजन, डिसाइड से बनता है आपका डिसीजन, एक्ट से बनता है एक्शन, एस्टैब्लिश से बनता है एस्टैब्लिशमेंट। मतलब जितनी वर्ब हैं उसमें से ज्यादातर का आप इस तरीके से नाउन बना सकते हैं। एस्टैब्लिश का है एस्टैब्लिशमेंट, सी से बनता है साइट, सी का मतलब देखना, साइट का मतलब दृष्टि। तो इस तरीके से ये बनते हैं, इसकी एक लिस्ट भी है। वैसे तो पूरी नाउन में आप जहाँ जहाँ वर्ब देखेंगे डिक्शनरी में उसके नीचे उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहीं ना कहीं दिया होगा। एनालाइज से बना एनालिसिस, डिसाइड से बना डिसीजन, प्रोवाइड से बना प्रोविजन, एसेसिनेट से बना एसेसिनेशन। कितने ही वर्ब हैं, एंडलेस है, कोई अंत नहीं है। नो से बना नॉलेज, तो कोई अंत नहीं है। आप कितना भी आप आगे बढ़ते चले जाइए। फिर बहुत से जो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे ब्रॉड से बनता है ब्रेड्थ, आपका वाइज से बना है विजडम, मतलब यहां पे भी लिस्ट एंडलेस है। वाइड से बना है ऑनेस्ट, से बना है ऑनेस्टी, और आपका
अगर हम बोले इंटेलिजेंट से बना है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब आप कितना भी लिस्ट को आगे बढ़ाते चले जाइए ये भी काउंटलेस होते हैं। और उसके बाद है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से जो बनते हैं ये खासकर अवस्था दर्शाते हैं। जैसे मैं इसी को ही ले रहा हूं, यहां पर चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, मैन से बना है मैनहुड, प्रीस्ट से बना है प्रीस्टहुड, डेकोइट से बना है डेकोइटी, डेकोइट होता है डकैत। तो इस तरीके से ये आपके बनते हैं बच्चा, बचपन, पुरुष, पुरुष, पौरुष, पुजारी, पुजारित्व, डकैत, डकैती। तो इस तरीके से आपके अवस्था, डकैती भी एक दशा है, एक अवस्था है, तो उसको हम, वैसे कार्य भी होता है लेकिन ये अवस्था के तहत इनको हम काउंट करते हैं। ये बनते हैं आपके नाउन से, जो भी नाउन से बनते हैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, भले ही वो कार्य हो लेकिन उसको अवस्था के तहत लिया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, देख लीजिए। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो क्वालिटी, स्टेट ऑफ माइंड या स्टेज और एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, गुणवत्ता है, मानसिक अवस्था है, कार्य इत्यादि को दर्शाने वाले होते हैं। गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम। कार्य जो हैं आपके बेसिकली मूल रूप से इन्होंने हैं जो दिए हैं वो लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हेट्रिड है। फिर अवस्थाएं हैं चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, यूथ है। यूथ जो बेसिकली वर्ड है वो हम काम में लेते हैं युवावस्था के लिए। स्लैवरी दास्ता है, स्लीप निद्रा है, सिकनेस बीमारी है, डेथ है। पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी होती है, पॉवर्टी गरीबी होती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे है, गुणवाचक जो है वो गुण का बोध करवाने वाले एडजेक्टिव से बनते हैं, वाइज से विजडम, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, वाइड से विड्थ, ये हम देखते हुए आए हैं पहले से। फिर उसके बाद आपके आते हैं इसमें आगे के ब्रेव से ब्रेवरी, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, सोबर से सोबेरिटी, सिंसियर से सिंसियरिटी, वल्गर से वल्गैरिटी। वल्गर होता है भद्दा, वल्गैरिटी होता है भद्दापन या फूहड़पन, उसको वल्गैरिटी कहते हैं। फिर आते हैं एक्शन वाले, ये क्या होते हैं, क्रिया से बनते हैं, एक्ट से एक्शन बना, लाफ है ये, एल ओ यू जी एच नहीं, एल ए यू जी एच है ये। लाफ से लाफ्टर, नो से नॉलेज, बिलीव से बिलीफ, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना और बिलीफ होता है विश्वास। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे थिंक से थॉट बना है, सी से साइट बना है। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, स्क्रूटिनाइज से बना है स्क्रूटनी, पड़ताल है। ये वर्ड्स आपके बने हैं किससे, आपके बेसिकली जो वर्ब से बने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर अगले हैं आपके कुछ दशावाचक जो दशा का बोध कराते हैं, कॉमन नाउन से बनते हैं, मैंने अभी बताया आपको, हालांकि ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हो रही है। मैन से मैनहुड, थीफ से थेफ्ट, थीफ चोर है, थेफ्ट चोरी है। वुमन से वुमनहुड, पायरेट से पायरेसी, पायरेसी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पायरेसी की स्पेलिंग ये होती है। चाइल्ड से चाइल्डहुड, हर्मिट से हर्मिटाज। अब देखिए हर्मिट जो होता है बेसिकली वो होता है सन्यासी या फकीर, जो सन्यास ले लेता है उसको हम कहते हैं हर्मिटाज। इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंसी होता है शैशव, शैशव काल को इन्फेंसी कहते हैं। एसेटिक सन्यासी है, एसेटिसिज्म है। पिलग्रिम से पिलग्रिमेज बनता है, पिलग्रिम होता है तीर्थयात्री, उससे वर्ड बना है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, तो उसको हम कहते हैं पिलग्रिमेज।
अब इससे संबंधित ये होते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर क्या होते हैं, मूल प्रकृति में क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इनको काउंटेबल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। वो जब इनको काउंटेबल के तौर पे हम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ डायमेंशन हमारे सामने आते हैं। जैसे मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊं, उससे इससे पहले कुछ दो तीन चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूं, वो ज़रा एक बार देख लीजिए आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब ये अपने मूल अर्थों में, किसमें, मूल अर्थों में, यानी कि ये किसमें आए, आपका एक्शन क्या है या प्रोसेस की ही बात करें, किसकी, प्रक्रिया की बात करें, तो प्रक्रिया में क्या होगा, हमेशा अनकाउंटेबल होगा। प्रक्रिया की जब भी आप बात करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा। जब हम प्रक्रिया की ही बात करते हैं तो देखिए ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और अगर ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करे, किसी पर्सन और किसी इवेंट की तरफ, किसकी तरफ, घटना की तरफ, अगर ये इवेंट और घटना का अर्थ दे तो ये क्या हो जाएगा, आपका काउंटेबल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं कि विश्लेषण एक जरूरी प्रक्रिया है, एनालिसिस, या एन एनालिसिस, इज ए नेसेसरी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो जब हम कहते हैं कि विश्लेषण जो है वो एक जरूरी प्रक्रिया होती है किसी भी चीज को समझने के लिए, तो ये प्रक्रिया का ही अर्थ देता है, इसलिए एन एनालिसिस हम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एनालिसिस का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं कहूं कि किसी एक कार्य के कई तरह के विश्लेषण किए गए तब वो काउंटेबल हो जाएगा। एक विस्तृत विश्लेषण किया गया तो हम बोलेंगे अ थोरो एनालिसिस वॉज डन। यहां पे हो जाएगा क्योंकि हम एक विश्लेषण को प्रक्रिया के तौर पे ना देख के उस एक पर्टिकुलर घटना से जोड़ दिया कि उस घटना का विश्लेषण किया गया है। तो इस तरीके से अगर ये मूल रूप से ये परिभाषित किए जाएं, उसी कार्य की, उसी एक्शन की बात करें, तो ये अनकाउंटेबल होंगे। अन्यथा क्या होता है, जब भी इसको किसी व्यक्ति या घटना से जोड़ देंगे तो ये काउंटेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे कभी क्वेश्चन तो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कई बार इस पे कोई चीज़ पूछ ली जाती है छोटी मोटी, तो उसको हमें पता होना चाहिए। अब चूँकि एक ज़रूरी पार्ट है ग्रामर का, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी एसओ वालों के लिए इसका कोई विशेष सहयोग नहीं, इसलिए क्विकली इसके थ्रू हम निकल के जाएंगे। इस पे से कभी आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एम डेड श्योर ऑफ इट, इसके बारे में मैं सुनिश्चित हूँ। बहुत रेयर चांस है, बाकी तो ऊपर वाला जाने एग्जामिनर क्या कर बैठे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने आता है, ये वाला, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं को विशेष अर्थ देने के लिए ए एन के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला आपका हेल्प, अ हेल्प, अ पर्सन और थिंग दैट हेल्प्स, व्यक्ति या वस्तु जो सहायक हो, और लेकिन द हेल्प अगर कहीं हो तो उसका अर्थ होता है सर्वेंट। द हेल्प लिखा होगा, ही इज द हेल्प ऑफ माई हाउस, इट मीन्स ही इज द डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि वो घर में सेवा का कार्य करने वाला व्यक्ति है या नौकर है, ऐसे हम उसको कहते हैं। वैसे आजकल नौकर शब्द का इस्तेमाल क्या है, आउट ऑफ फैशन है, इसको लोग यूज़ नहीं करते, बुरा मानते हैं, सर्वेंट नहीं बोलते, बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प है।
जो घरेलू सहायक है हमारा, जो हमारी सहायता करता है काम में, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड हेल्प या हेल्प। तो जब हम बात करते हैं केवल सहायता कर देने के लिए कि उनको सहायता दी जानी चाहिए, उनके लिए सहायता दिया जाना जरूरी है, तो हम बोलेंगे दे मस्ट बी प्रोवाइडेड हेल्प, नॉट अ हेल्प। ही इज सच अ हेल्प या हेल्प इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, तो हम बोलेंगे ही इज सच अ हेल्प इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। रिलीफ अ पर्सन और थिंग, यहाँ पे और है सर, अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स रिलीफ, व्यक्ति या वस्तु जो आराम का कारण बने। इट वॉज अ रिलीफ टू सिट डाउन, इट वॉज अ रिलीफ टू सिट डाउन। द फ्लड हिट विलेज नीड रिलीफ या रिलीफ, तो हम बोलेंगे अब देखिए कोई एक पर्टिकुलर कार्य है तो उसके लिए तो हम बोलेंगे अ रिलीफ, लेकिन जो फ्लड हिट विलेजेस है यानी कि जो बाढ़ ग्रसित, फ्लड हिट का मतलब था बाढ़ ग्रसित जो ग्रामीण जो गांव है उनको सहायता की या राहत की जरूरत है, तो यहाँ पर राहत की ही बात कर रहे हैं, इसलिए आएगा रिलीफ के बजाय रिलीफ शब्द का प्रयोग करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर इसको मूल अर्थों में प्रयोग करें तो ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन किसी घटना से या इन्फिनिटिव के साथ इसका प्रयोग करें, देर इज आर के साथ प्रयोग करें, इट इज के साथ इनका प्रयोग करें, तो अक्सर ये काउंटेबल हो जाते हैं। जैसे अगला है आपका ए नॉलेज ऑफ, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज, चीज़ का ज्ञान हो तो ए नॉलेज लगाएंगे। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन यहीं अगर हम नॉलेज की ही बात करें मूल रूप से, नॉलेज या ए नॉलेज इज द की टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल, तो नॉलेज है वो की होता है कि आप अपने हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करें, उसको बाहर निकालें। फिर है अगला डिसलाइक वगैरह। अब देखिए वैसे तो क्या होता है, डिसलाइक है, हेट्रिड है, ये अपने आप में इनका कोई बेसिकली ये काउंटेबल नहीं होते, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की डिसलाइक हो तो वो काउंटेबल हो जाएगा। जैसे ए हॉरर ऑफ या ए डिसलाइक ऑफ अगली बुक्स या बैड लिटरेचर, तो इसमें हम इस तरीके से किसी चीज़ का हो ऑफ लगा के तब ये आ जाता है। ए डिसलाइक, ए ड्रीड, हेट्रिड, हॉरर या लव ऑफ समबडी और समथिंग दैट यू डिसलाइक, दैट यू डिसलाइक, ड्रीड, हेट और लव ऑल्सो इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये डिसलाइक, ड्रीड, हेट, लव के साथ भी इसका कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो सकता है। तो क्विकली हम इसमें से देखते हैं, लव ऑफ म्यूजिक ऐसे लिख सकते हैं, ए हेट्रिड ऑफ वायलेंस, मर्सी, पिटी, शेम, वंडर का प्रयोग भी दैट क्लोज में किया जाता है, इट से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हो जाते हैं, इट इज़ ए पिटी दैट यू वरंट हियर, दया की बहुत ही मतलब दया की बात है कि तुम यहाँ नहीं थे। ही शोड, SHOWED है ये, W मिसिंग है यहाँ से, शी शोड पिटी नॉट अ पिटी, उसने दया दिखाई। अब वो दया मूल अर्थों में कह रहा है, इट इज से शुरू नहीं हो रहा। इट इज़ अ शेम दैट ही वॉज इन पेड, शेम या अ शेम इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सेंस ऑफ गिल्ट, शर्म जो है ना वो अपराध बोध का सीधा सीधा नतीजा होती है। इट प्लस बी प्लस ए पिटी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी तो ये कैसे हो सकता है, देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं, इट इज अ शेम, इट वुड बी अ पिटी टू कट डाउन दीज ट्रीज। देखिए टू इन्फिनिटिव का प्रयोग है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं, तो इट इज अ पिटी टू कट डाउन दीज ट्रीज। इट इज अ शेम या शेम टू टॉलरेट, तो इट इज के साथ हुआ है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, तो इट इज अ शेम टू टॉलरेट मिसबिहेवियर। अ फियर, फियर्स, अ होप, होप्स, सस्पिशन, सस्पिशंस का प्रयोग भी दैट क्लोज में किया जाता है, इसमें इनको देर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। देर इज अ फियर या देर आर फियर्स, दोनों बात हो सकती हैं, दैट ही हैज़ बीन मर्डर, इस बात के डर हैं कि उन्हें उनका मर्डर कर दिया गया है। फिर अगला है, वी कैन ऑल्सो हैव अ सस्पिशन दैट, अ सस्पिशन भी हो सकता है। समथिंग कैन अराउज फियर या फियर्स, होप या होप्स, एंड सस्पिशन या सस्पिशियस, ऐसी जो भी चीज़ें जो डर, आशा या संदेह जगाए, ऐसी स्थिति में इनको प्रयोग करना हो तो ए फियर, ए सस्पिशन के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। वेयर देर इज होप
देर इज लाइफ, तो यहाँ पे अ होप के बजाय क्या आएगा, देर इज होप, देर इज लाइफ, जहाँ आशा है वहाँ जीवन होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है आपकी जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब आपका आता है मटीरियल नाउन, फिफ्थ। तो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बस आप इतना याद रखना, इट इज़ या देर आर के साथ जब पिटी, शेम, डिसलाइक, हॉरर, हेट्रेड, इन्फिनिटिव वगैरह इनके साथ आते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। जनरली ये बोलचाल के भाषा में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बस इतना ध्यान रखना है कि जब इन्हें किसी व्यक्ति या वस्तु से जोड़ दिया जाए तो इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला आपका जो पार्ट है इसमें वो आता है आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब पदार्थ जो होते हैं बेसिकली उस वो तीन अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिक्स हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर में, उनमें ये चीज़ दी होती है, या जो आप बीएससी के छात्र हैं जो मैथमेटिक्स से या साइंस से वो फिजिक्स में पढ़ते हैं कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएँ मूल होती हैं। वैसे तो आजकल प्लाज्मा और फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें आगे चली गई हैं उनकी नहीं, लेकिन हम जो बेसिक साइंस में पढ़ते हैं मैं उन्हीं की बात करूँगा अभी। तो उसकी अगर बात करें तो जो पहली अवस्था है पदार्थ की वो होती है सॉलिड। सॉलिड में क्या है, जैसे अपने पास स्टोन है, गोल्ड है, सैंड है, रॉक्स हैं, चट्टाने वगैरह जो भी हैं। बी दूसरे होते हैं लिक्विड्स, जो तरल होता है, लिक्विड में आपका क्या आ जाता है, वाटर, आपका पेट्रोल, ऑयल, जो भी तेल या जलीय पदार्थ जो होते हैं उनको हम कहते हैं। सी आपका जो है वो होते हैं आपके गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे आपका एयर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब जितने भी गैसें हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से पदार्थ की मूल तीन अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ की खास बात क्या होती है, पदार्थ मूल रूप से अनकाउंटेबल होते हैं, यानी पदार्थ को गिना नहीं जा सकता, पदार्थ को हम गिनते नहीं हैं। तो पदार्थ को जब गिना नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अगर मूल कार्य से हटके उनको अगर किसी अन्य कार्य में लिया जाए तो अनकाउंटेबल हो जाते हैं, जैसे आपका काउंटेबल हो जाते हैं, जैसे ब्रिक और स्टोन है। ब्रिक और स्टोन को हिंदी में अगर हम कहें तो ये काउंटेबल होते हैं, पत्थर या पत्थरों का बना हुआ है, ईंट या ईंटों का बना हुआ है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये बहुत रेयर जगह आपको दिखाई देता है, कुछ डिक्शनरीज में, लॉन्गमैन वगैरह की डिक्शनरीज में इनका कुछ जिक्र हुआ है। तो आपका इसमें आप देखेंगे कि अगर हम बात करें ब्रिक या ब्रिक्स की, तो यहाँ पर हमने देखा द ताजमहल इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स, तो हम ब्रिक का प्रयोग करेंगे क्योंकि ब्रिक और स्टोन को जब आप बिल्डिंग मटीरियल के तौर पर काम में लेंगे तो हम उसको बेसिकली प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। अनकाउंटेबल का तो बहुवचन नहीं बन सकता ना, सिंस उसको गिन ही नहीं सकते। उसके बाद है शी हैज़ पुट फॉर, पुट है ये फॉर ब्रिक या ब्रिक्स, तो यहाँ पे एक मिनट ऐसा अगर हो तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर ब्रिक्स आएगा अंडर द लेग्स ऑफ द टेबल, उसने चार ब्रिक रखी हैं। अब यहाँ पे ब्रिक रखी हैं तो इसको बहुवचन हमने इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम में ना ली जाकर इसे हमने अन्य किसी कार्य में लिया है, ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ का दूसरी का लेवल ऊपर कर सके, उसको धरती से थोड़ा ऊपर उठा सके, इसके लिए हमने इसका प्रयोग किया है। द फाउंडेशन ऑफ दिस फोर्ट इज
फिल्ड विद स्टोन या स्टोन्स। अब हम देखते हैं कि फाउंडेशन जो है वो पत्थर की बनी हुई है, तो यहाँ पे स्टोन आएगा, स्टोन्स नहीं आएगा, क्योंकि स्टोन यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद है द मॉब पेल्टेड स्टोन या स्टोन्स एट द पुलिस, तो यहाँ पे आएगा पेल्टेड स्टोन्स एट द पुलिस, क्योंकि पत्थर जो है अब यहाँ पर बेसिकली मूल रूप से मिसाइल का कार्य कर रहा है, ना कि पत्थर जो है वो बेसिकली मूल रूप से बिल्डिंग मटेरियल का किसी का सर फोड़ने के लिए काम में लिया गया है। इसके साथ ही जो नाउन का एक पार्ट कंप्लीट होता है, जो टाइप्स ऑफ नाउन है, अब हमने टाइप्स ऑफ नाउन जो पढ़े उसमें हमने देखा कि कितनी टाइप के नाउन हैं, किस किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हें उनमें क्वेश्चन बनाते समय जो एग्जामिनर है उस नाउन की वजह से उस सेंटेंस में कितनी तरह की और चीज़ें आपसे पूछ सकता है, उसकी पूरी जानकारी हमने इस वाले पार्ट में देखी। अब अगला जो पार्ट है वो है बेसिकली आपका, उसके जब हम बात करते हैं तो अगला पार्ट आता आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करते हैं तो इसमें इसका अध्ययन जब हम करेंगे तो इसके लिए आपका जो नोट्स है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। इस वाले पार्ट में जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट में आपके पास काफ़ी चीज़ें नई हैं जो आने वाली हैं। अब देखिए काउंटेबल अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है नाउन का, जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है नाउन का वो ये है, सेकेंड है वो हम बोलते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल इन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते। इन्हें गिन सकते हैं और इन्हें नहीं गिन सकते। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उसमें फर्दर हमारे पास दो तरह की चीजें आएंगी, वो है आपका सिंगुलर एवं प्लूरल। सिंगुलर एवं प्लूरल, ये सिंगुलर एंड प्लूरल का जो अध्ययन है ये नाउन नंबर के तहत आता है। आखिरी जो आपका पार्ट है इस क्लास का नाउन का, उसमें आपकी एक लिस्ट दी हुई है नाउन नंबर और जेंडर की, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपके समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। आज हम जो नाउन है उसका चैप्टर लगभग पूरा निपटा के आज की क्लास में, उसके बाद हम आपसे विदाई लेंगे। तो ये आपका जो सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है ये वाला है। अब हम बात करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता कि कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल होती हैं, कुछ जो होती हैं वो काउंटेबल प्लूरल होती हैं हमेशा, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल एक ही जैसी दिखाई देती हैं, काउंटेबल भी वैसी हैं, एकवचन भी वैसी हैं, बहुवचन भी वैसी ही हैं। कुछ वो नाउन होती हैं जिनमें दिखाई तो बहुवचन देती हैं, प्लूरल देती हैं, लेकिन होती सिंगुलर हैं, राइट। कुछ ऐसी होती हैं जो दिखाई प्लूरल देती हैं लेकिन सिंगुलर प्लूरल उनका एक ही रूप है। तो ये जो सारे डायमेंशन है अलग अलग नाउन्स के, वो हम पढ़ने वाले हैं, ताकि पढ़ते समय या इसको इनके क्वेश्चंस करते समय हमसे कोई गलती नहीं हो।
तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन टू में। उसके बाद जो पहला पॉइंट आता है आपका, वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो क्या कह रहा है, काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, वन पेन टू पेन्स, टू पेन्स। ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स कॉमन नाउन्स काउंटेबल का ही हिस्सा होते हैं। अगला है अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स इसी का हिस्सा होती हैं। चीजें जिनमें ढेर हो, क्या हो, मास हो, मात्रा हो, जैसे सुगर है, सैंड है, डस्ट है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेसिकली, ये अनकाउंटेबल के तहत आते हैं। मिल्क है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे दिए हैं। या फिर जो होती हैं वो होते हैं नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या है, नेचुरल फिनोमिना होती हैं प्राकृतिक घटनाएं, जैसे हीट है, गर्मी है, लाइटनिंग बिजली का कड़कना है, ये सारी की सारी होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जैसे एडवाइस है, एक्सपीरियंस है, हॉरर है, पिटी है, ब्यूटी है, फियर है, इंफॉर्मेशन है। विशेष अर्थों में तो किसी भी नाउन को आप बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल है, नॉलेज है, सस्पिशन है, डेथ है, होप है, मर्सी है, वर्क है, करेज है, इनकी बात हो रही है। फिर आप क्या आती है अनकाउंटेबल में, आती है ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। इन अब इनके साथ जो अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल के साथ जो घटनाएं घटती हैं उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए दो तीन चीजें हैं जो हम क्वेश्चंस को हल करें, उससे पहले वो बेसिक्स हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर जो बेसिक्स हैं वो ये हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन का जो पहला जो पॉइंट है वो ये है, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्या करते हैं, हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। जैसे लेकिन याद रखिए, इसको आप गिन नहीं सकते लेकिन इसके टुकड़े तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक है आपके सामने, ये प्लास्टिक का कवर है, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को आप गिन नहीं सकते, वह एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं टुकड़ों में, वन पीस, टू पीसेस। तो इस तरीके से इनको टुकड़ों में दर्शाया जा सकता है, टुकड़े का एक वचन बहुवचन बनाया जा सकता है, इनका नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे इसको दो फॉर्म में हम लिखें अगर सिंगुलर, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो सिंगुलर में क्या होता है, अ पीस ऑफ प्लास्टिक, पीसेज ऑफ प्लास्टिक, पीसेज ऑफ प्लास्टिक, राइट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस पीसेज ऑफ एडवाइस, अ लॉफ ऑफ ब्रेड लॉव्स ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड है, हिंदी में तो क्या होता है, रोटी या चपाती काउंटेबल होता है, लेकिन इंग्लिश में अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉफ। लॉफ क्या होता है, जो आप जो प्लास्टिक के पैक में जो पैक आता है इतना बड़ा, उसको लॉफ कहते हैं। जो गुथा हुआ आटा होता है, इंग्लिश में कहते हैं डो। क्या तो ब्रेड बनाने से पहले डो बनाया जाता है, और उस डो का फिर लॉफ बना के उसको अवन में डाल देते हैं सेकने के लिए, फिर वो जो गर्म होके सिक गया था उसको लॉफ कहते हैं, एक लॉफ, दो लॉफ, तो उनको मल्टीपल में कहते हैं, तो लॉव्स हम बोलते हैं। और उसमें जो लॉफ की जो आप कटे हुए पीसेस देखते हैं, वो स्लाइसेज होती हैं, वो स्लाइसेज ऑफ ब्रेड है, वो एक ब्रेड नहीं होती, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड है,
और उसमें मल्टीपल स्लाइसेज होती हैं, तो इस तरीके से आप इनको काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले पार्ट को तो आप कभी काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो पदार्थ है, पदार्थ को कभी काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके टुकड़े को काउंट कर सकते हैं। तो अगर उसको एकवचन और बहुवचन में दर्शाना हो तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद आपका जो है बेसिकली हम अगला पार्ट अगर देखते हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं अ लॉग ऑफ वुड, और उसी को कहा जा सकता है लॉग्स ऑफ वुड। अब वुड को तो आप काउंट नहीं कर सकते लेकिन लॉग को कर सकते हैं, तो इस तरीके से इनका एक आयाम तो ये है। दूसरा एक, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, सूचना, सूचनाएं हिंदी में काउंटेबल है लेकिन इंग्लिश में अनकाउंटेबल है। अगर मैं लिखूं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका बहुवचन होगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है कि चूंकि इन्हें हम गिन नहीं सकते लेकिन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और इनके जो टुकड़े हैं उनका एकवचन बहुवचन बनाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके, जब हम टुकड़ों में तोड़ रहे हैं इसको, तो इसके अलावा अगले क्या आयाम हैं। तो अब इसमें पहली चीज तो ये, दूसरी चीज इसमें ये है नो आर्टिकल। जैसे मान लीजिए एडवाइस का, आप ऐसा नहीं कह सकते एन एडवाइस, गलत हो जाएगा, केवल आप लिखेंगे एडवाइस। दूसरा, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते, या इनके साथ ऐसा एडजेक्टिव नहीं लगा सकते जो संख्या बताता हो, आप उसकी जगह लिखेंगे ओनली, मच, सम, मात्रा बताने वाले, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या लिटिल एडवाइस एटसेट्रा हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मच, मैनी, फ्यू ऐसे शब्दों का, एडजेक्टिव्स का इनके साथ प्रयोग नहीं होगा। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि चूंकि अनकाउंटेबल हैं तो यहाँ पे गिनने वाले शब्दों को, संख्यात्मक शब्दों को हम अवॉइड करेंगे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो मात्रात्मक है, मात्रा बताने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन एडवाइस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे या तो ए एन एडवाइस की जगह या तो अकेला एडवाइस ठीक होगा या ए पीस ऑफ एडवाइस ठीक होगा या पीसेज ऑफ एडवाइस ठीक होगा, जैसा भी आपको आपके सामने आए उसको हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ आयाम है जो आपको ध्यान रखने हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब क्या है बेसिकली, इसके कुछ नियम है जो आप देख सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हमने लिखा, यहाँ पर देखा कि आपके सामने है अ बिट ऑफ न्यूज़, बिट्स ऑफ न्यूज़, अ ब्लॉक ऑफ आइस, ब्लॉक्स ऑफ आइस, आइस अनकाउंटेबल है, ए केक ऑफ सोप, केक्स ऑफ सोप, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, अ ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ सैंड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉव्स ऑफ ब्रेड, अ लॉग ऑफ वुड, लॉग्स ऑफ वुड, अ पैन ऑफ ग्लास, पैंस ऑफ ग्लास, ग्लासेस होता है लेकिन ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। A piece of advice, pieces of advice, a piece of chalk, pieces of chalk, a piece of furniture, pieces of furniture, a piece of information, pieces of information, a pot of jam, pots of jam। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इन नाउन को जब बहुवचन के रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी नाउन अगर कॉमन एरर में आ जाए, किस में आ जाए श्रीमान, कॉमन एरर में आ जाए, तो कॉमन एरर में अगर वो आती है तो कुछ भी सही हो सकता है। जैसे मान लीजिए पैन ऑफ ग्लास का हम ले लेते हैं, अगर कॉमन एरर में आ जाए ए पैन ऑफ ग्लास,
या ग्लास अकेला आ जाए तो दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ए पैन ऑफ ग्लास और अगर ग्लास में से चुनना पड़े तो हम चुनेंगे ए पैन ऑफ ग्लास। अगर इन्फॉर्मेशन और ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में से चुनना पड़े सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में तो हम चुनेंगे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसकी दो वजह श्रीमान, एक पहला कॉमन एरर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछते समय एग्जामिनर का उद्देश्य ये होता है कि सामान्य रूप से कौन सी अभिव्यक्ति है जो किसी सेंटेंस में सही या गलत हो सकती है, जबकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न होता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का उद्देश्य ये होता है कि कौन सी ऐसी अभिव्यक्ति है जो सेंटेंस में दी गई अभिव्यक्तियों के तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। तो हमेशा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को और कॉमन एरर के क्वेश्चन को पूछने का मोटिव अलग अलग होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे एक कॉमन एरर का क्वेश्चन उसमें कहीं इन्फॉर्मेशन आ गया तो ठीक है सेंटेंस सही है, कहीं और गलती है, लेकिन कहीं दूसरा स्टेटमेंट आ गया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन और उसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसकी जगह अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को सही कर रखा है, तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाता है वहाँ सही क्यों था और यहाँ गलत क्यों है। तो सेंटेंस कॉमन एरर में क्या होता है, सही गलत का खेल होता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हो सकता है दोनों अभिव्यक्तियाँ ठीक हों, लेकिन उसकी जगह कौन सी अभिव्यक्ति है जो ज़्यादा फॉर्मल है यूज़ करने में। इसलिए कई बार क्या होता है, आपको कॉमन एरर में सामान्य रूप से दिखाई दी गई सही चीज़ें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन गलत करवा सकती हैं। तो इसलिए ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनके मैंने आपके नोट्स में नोट डाले हुए हैं अलग से, तो उनको आप ज़रा ध्यान से पढ़ें। उसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल का जो एक आयाम आपके सामने है वो ये है कि ये कुछ नाउंस हैं जो आपके सामने हैं, जो अनकाउंटेबल होती हैं। इनके बारे में मैं एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, ये किसी भी आपको सारी की सारी एक किताब में नहीं मिलेंगे, तो कृपया इनको पढ़ते समय और इन पे कार्य करते समय अपना पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखें, और कंसंट्रेशन बनाने के साथ साथ आप इनसे जुड़ी तमाम जो हिंदी के इनके अर्थ हैं वो कृपया अच्छे से देख लें। याद रहे हिंदी का अर्थ जब आप इनका देख रहे होंगे तो वो हो सकता है काउंटेबल हो, लेकिन ये नाउन यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल होगी। लकड़ी हिंदी में काउंटेबल होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। जैसे एडवाइस, बैगेज होता है आपका बोरिया बिस्तर, या बैगेज बेसिकली एक शब्द और होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बैगेज होता है जो पुरानी यादें लाद के घूमता है ना आदमी, मैं ये था, मैं वो था, मैं तोप था, मैं बंदूक था, जिधर से निकलता था आग लगा देता था, आजकल तो कुछ हुई नहीं। ये जो सारी पुरानी की जो यादें होती हैं और जो इमोशनल आप जो भार लेके चलते हैं अपने साथ उसको कहते हैं बैगेज। ब्रेकेज है, टूट फूट है। ब्रेड आप जानते ही हैं, ब्रेड रोटी है। बटर जो है आपका खाने वाला बटर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कैंपिंग जो आप जाते हैं बाहर पिकनिक के लिए। चौक, लिखने वाली चौक आप जो यूज़ करते हैं ना वो ए पीस ऑफ चौक होता है। क्लोदिंग है, कपड़े लगते हैं। कन्फेक्शनरी, स्वीटमीट्स मिठाइयाँ जो होती हैं ना छोटी, ये टॉफी कैंडी, इनको इंग्लिश में कन्फेक्शनरी कहते हैं। कोन मक्का है। क्रॉकरी की बर्तन है। कटलरी, ये छुरी काटा होता है ना खाने का, उसको कटलरी कहते हैं, ये अनकाउंटेबल होता है। डैमेज, अब देखिए डैमेज शब्द अगर आए नुकसान के लिए तो अनकाउंटेबल होगा सर, लेकिन डैमेज जिस शब्द आए अगर कॉम्पेंसेशन या क्षतिपूर्ति के लिए, किसके लिए, हर्जाने के लिए, तब वो हमेशा बहुवचन होगा, उसको कहते हैं डैमेजेस। तो वो बहुवचन के तौर पर आता है हमेशा, इसका एकवचन बहुवचन के तौर पर अलग अलग अर्थ है। ड्रेनेज निकास है पानी का। ड्रैपरी जो कवर करने के लिए कपड़ा लगता है हम यूज़ करते हैं। डस्ट मिट्टी है। इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली है। इक्विपमेंट
इक्विपमेंट को ज़्यादातर इंजीनियरिंग के बच्चे प्लूरल बोलते हैं और इक्विपमेंट्स बोलते हैं, इक्विपमेंट्स में इक्विपमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट या इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स बोलते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप हमेशा बोलेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है आपके जो भी उपकरण है। उपकरण बेसिकली हिंदी में काउंटेबल होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उपकरण अनकाउंटेबल होता है। तो इक्विपमेंट बोलेंगे हम, नॉट इक्विपमेंट से इक्विपमेंट्स फॉर दैट मैटर। एस्पाइनेज, एस्पाइनेज आपकी होती है जासूसी। इवोल्यूशन क्रमिक विकास है। फूड भोजन है। फुलरी मूर्खताएं हैं। फर्नीचर, फर्नीचर होता ही आप जानते हैं, गार्बेज कूड़ा करकट है। ग्रेन, ग्रेन जो है वो दाना है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एहसान है। ग्रीनरी हरियाली है। हेयर बाल, बाल जब तक आपके सर में है तब तक अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर वो काट सर से अलग हो जाता है फिर उसको आप गिन सकते हैं, हेयर है। हेल्थ है। इंफॉर्मेशन है। ज्वेलरी है। जस्टिस है, ज्वेलरी आप जानते हैं गहना। जस्टिस न्याय है। लिबर्टी आज़ादी है। लगेज बोरिया बिस्तर है। मशीनरी, मशीन काउंटेबल होता है, मशीनरी काउंटेबल नहीं होता। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस होता है आपका जो हम किसी भी चीज़ को कायम रखने के लिए जो उसके क्या करते हैं, इंतज़ाम होता है जो किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। हिंदी का शब्द स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। म्यूज़िक संगीत है। न्यूज़ वैसे तो क्या होता है, ज़्यादातर जो शब्द हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। पार्किंग, परसेंटेज, पोइट्री, पोइट्री हाँ याद रखिएगा। पोम, पी ओ ई एम, पोम का मतलब होता है कविता। कविता काउंटेबल होती है। मैं आपके पड़ोस वाले कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कविता जो लिखी जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पोम क्या होती है, काउंटेबल होती है, लेकिन पोइट्री क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। पोस्टेज है आपका, जो डाक टिकट का आप खर्चा देते हैं उसको पोस्टेज कहते हैं। पोट्री मिट्टी के बर्तन है। रबिश कूड़ा करकट है। सेफ्टी सुरक्षा है। सीनरी, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, अनकाउंटेबल है। देखिए सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, पोइट्री, ये फुलरी, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। शॉपिंग, स्मोकिंग, स्टेटस, स्टेटस होता है स्तर। और आजकल जो इसका एक गंदा सा नाम भी आजकल ज़्यादा लोग डायलॉगबाजी में काम में लेते हैं, औकात, तुम्हारा औकात क्या है हमारे सामने, ऐसा जो डायलॉग देते हैं ना, वो स्टेटस की बात कर रहे होते हैं भैया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक, ट्यूटलरी, बेसिकली ट्यूटलरी होता है संरक्षण आपका, या गाइडेंस भी कह सकते हैं। वेस्टेज बेकार है। वेदर मौसम है। रैकेज, रैकेज होता है आपका जो भी किसी चीज़ का कोई चीज़ टूट जाती है और टूट के बिखर जाती है उसको हम रैकेज कहते हैं। ये इस तरीके से कुछ नाउन है आपके। अगले नाउन्स का तो मेरा क्लास में टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है, 2, 4, 5, 10, 20 का मैं बता दूंगा। कृपया आप डिक्शनरी की मदद लें ऐसे में। कॉन्सेप्ट पढ़ाने में फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगला एग्जाम्पल्स की जब हम इनकी बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देख लेते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपको दिक्कत पैदा कर सकती हैं, जैसे एडवाइस है। एडवाइस नाउन होता है, जबकि एडवाइस जो है वो क्रिया होती है, वर्ब। ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड या एडवाइस्ड, तो चूंकि एडवाइस्ड सी डी वाला नहीं है, एस डी वाला हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके का, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। एडवाइज्ड मी टू हीड हिज एडवाइस, एडवाइसेज या एडवाइस, तो ये तो वर्ब है, एडवाइसेज बहुवचन बनेगा नहीं, हिज एडवाइस, ठीक है सरकार। तो इस तरीके से मल्टीपल लेवल पे कहीं पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला है द पोइट्री ऑफ पोइट्रीज ऑफ कबीर, तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। पोइट्री अनकाउंटेबल होता है, पॉम काउंटेबल होता है, पी ओ ई एम, पॉम काउंटेबल होता है, लेकिन पोइट्री जो है वो काउंटेबल नहीं होती, सॉरी अनकाउंटेबल होती है। पोइट्री आएगा, पोइट्रीज नहीं आएगा, अ पोइट्री भी नहीं आएगा।
द पोइट्री ऑफ कबीर एंड अदर भक्तिकाल पोइट्स डिलाइट या डिलाइट्स आर सोल। अब देखिए चूंकि पोइट्री अनकाउंटेबल है तो पोइट्री के साथ जो वर्ब आएगी हमेशा वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एक आस्पेक्ट ये, जो भी ये ऊपर अनकाउंटेबल नाउन है इनके लिए वर्ब कैसे यूज करेंगे हम, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आपका आता है द ट्रैवलर्स हैव लॉस्ट देयर बैगेज या बैगेजेस, तो यहां पे आएगा बैगेज नॉट बैगेजेस। द फर्नीचर या फर्नीचर्स, अब चूंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल ही रहेगा, ऐसे यस नहीं लगेगा, आर्टिकल ए का भी प्रयोग नहीं होगा। द फर्नीचर हैज या हैव बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स ऑफिस, तो क्या है, द फर्नीचर हैज बीन डिलीवर्ड। ही मस्ट हैव मच या मैनी इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, सो ही मस्ट हैव मच इंफॉर्मेशन, क्या है, द लगेज या लगेजेज या द लगेज, तो क्या आएगा, अ लगेज नहीं होगा, लगेजेज नहीं होगा, द लगेज वो जाएगा। अगर इसकी जगह वर होता तो गलत हो जाता। सो हैवी दैट ही कुडंट लिफ्ट इट। द कंपनी हैज इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट या इक्विपमेंट्स, तो क्या आएगा, इक्विपमेंट आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, एन इक्विपमेंट भी नहीं आएगा। इन द स्ट्रीट्स, कंपनी ने स्ट्रीट्स में इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिए हैं। रैकेज या रैकेजेज या द रैकेज ऑफ द शिप, तो यहाँ पे शिप का जो कबाड़ है, रैकेज कबाड़ होता है, आई एम सॉरी यार वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था वर्ड अभी, तो रैकेज आएगा। तो शिप का जो कबाड़ है टूटने के बाद, तो लगेगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, बहुवचन बनेगा नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए द रैकेज ऑफ द शिप वॉज, ऑफ का ऑब्जेक्ट है शिप, तो हमारा सब्जेक्ट तो रैकेज ही है, तो रैकेज के साथ क्या आएगा, वॉज नॉट वर। द रैकेज ऑफ द शिप वॉज फ्लोटिंग इन द ओशन। इस तरीके से आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ऊपर लिखे शब्दों के, आप इनके कितने भी आप इनके बेसिकली आप बना सकते हैं अलग अलग टाइप के परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और आप उसके साथ कितनी भी तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।